हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई, और इसके लिए हम लिए हैं 1 kg चिकन, और इसे अच्छे से वॉश करके इसे बीच बीच में से कट लगा लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और मसाले में हम लिए हैं 1 tablespoon जीरा पाउडर, 2 tablespoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon चाट मसाला, 1 teaspoon गरम मसाला, 2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon काली मिर्च का पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार, और 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 नींबू का जूस, 3 tablespoon दही, 1 अंडा, और यहाँ लिए है 3 tablespoon बेसन, 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर, 1 tablespoon सूजी या फिर सीमोलिना, और 2 teaspoon कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा फूड कलर। आइए अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें नींबू का जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, और ये जो हम सूखे मसाले लिए थे इसे भी ऐड कर देंगे, और ये बेसन, कॉर्नफ्लोर, सूजी, कस्तूरी मेथी, फूड कलर, इसे भी ऐड कर देंगे। और इसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से चिकन को पूरा मैरिनेट करके इसे हम चाहे तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने से हमारा चिकन बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाएगा, और अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 1 घंटे भी रख के फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से पूरा मैरिनेट हो गया है। अंडा को अभी ऐड नहीं करना है, हम इसे फ्राई करने टाइम ऐड करेंगे, अभी इसे ढककर रख देते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं, चिकन मैरिनेट किए हुए हमारा 1 घंटा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा, और यहाँ हम कढ़ाई चढ़ाकर इसमें तेल डाल दिए इसको फ्राई करने के लिए। आइए इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब इसे फ्राई करते हैं। चिकन एक बार में ज्यादा नहीं डालना है। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो करेंगे। और इसे धीमा आंच में फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड, चिकन हमारा फ्राई होने वाला है, और इसे आप धीमा ही आंच में फ्राई करिएगा, क्योंकि अंदर में अच्छे से पक नहीं पाएगा अगर आप तेज आंच में इसे फ्राई करेंगे तो। इसीलिए गैस का फ्लेम आपको स्लो ही करके रखना है। तो चिकन हमारा फ्राई हो गया है, हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये देखिए आप इससे कितना अच्छा कलर आया है। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा ये अंदर को। हमें बस इसी तरह का चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, एक बार हम निकाल लिए हैं, अब इसे हम इसमें दूसरे बार डाले हैं। अब इसे भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे धीमी आंच पर। हमारा
ये देखिए फ्रेंड, बनकर तैयार है हमारा चिकन फ्राई और ये बहुत ही टेस्ट बनता है। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।